तो मेरा एक गाना मंच पे बहुत ज़्यादा हिट किया था, वो गाना था दिल ना लगई हा, जिसको खेसारी जी का एल्बम है, बट मैंने इसको मंच पे गाया था। और उसके बाद से मैंने पवन सिंह जी के साथ पुदीना, फिर कल्लू जी के साथ झिझिरिया, फिर कंटिन्यू खेसारी भैया के साथ सैया की रोटी, जो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वो गाना। किसी भी चीज़ को पूरा करिए तो एक 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 सीढ़ी चढ़िए, ज़्यादा छलांग लंबा लगाइएगा ना तो फिर बीच में अटक जाइएगा। और मैंने तो एक चीज़ सोच लिया है कि इंसान जब आगे बढ़ने लगता है ना तो उसके जो कुछ लोग होते हैं जो आगे तो बढ़ नहीं सकते, तो जो नाम नहीं कर सकते ना वो दूसरों को सिर्फ बदनाम ही करते हैं। कोई यूट्यूब पे आके कोई गालियाँ दे दे रहा है, फेसबुक पे आके कोई गालियाँ दे दे रहा है, मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं, मतलब क्या है? आप यूट्यूब सोशल मीडिया को आप लोग एकदम मजाक बना रखा है। मुझे लगता है कि न्यू ईयर पर मेरा आ रहा ही नहीं मिलियन क्रॉस कर गया। सुर्खियों में बने रहो, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अब दुनिया की यही रीत हो गई। सो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है UNN मीडिया पे। और इस वक्त जो हमारे साथ पर्सनालिटी हैं, जो शख्स हैं, उनसे मिलकर आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनको वायरल सिंगर बोलते हैं, इनको आज अवार्ड भी वायरल सिंगर का मिला है। जी हाँ, इस वक्त हम लोग सरस सलील के अवार्ड फंक्शन में थे, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई। और ये कोई और नहीं, हमेशा ट्रेंडिंग में इनके गाने रहने वाले, 100 अगर गानों की बात हो तो सबसे ज़्यादा गाने इनके सुने जाते हैं, और इनके गानों ने तो कई नए रिकॉर्ड बना दिए। ये कोई और नहीं बल्कि अनुपमा यादव जी हैं, जो पहली बार हमसे मिल रही हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आ रही हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। UNN चैनल को देखने वाले ये जितने भी लोग हैं सभी को मेरा प्रणाम है, और खासकर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपको वायरल सिंगर का सम्मान मिला, और कहते हैं ना कि हर कोई बस यही विश करता है कि सोशल मीडिया पे हम वायरल हो जाएं, यूट्यूब पे हम वायरल हो जाएं, और वो खिताब आपको मिल रहा, तो कैसा लगा? मुझे आज बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच सरस सलील की पूरी टीम और दिल्ली प्रेस कि मुझे आपने चूज़ किया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मेरी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड है। और मतलब मैं आज वाकई में बहुत खुश हूँ कि मुझे अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड मुझे मिला है पुदीना गाने से, और हाँ इसलिए ट्रेंडिंग में चलने की वजह से मिला, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुदीना ही ऐसा गाना है जो YouTube का जो लिस्ट आता है 100 गानों का, उसमें अक्सर ट्रेंडिंग में रहता है, और पुदीना गाने की वजह से अक्सर पवन जी और अनुपमा जी ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। एक ऐसा गाना जो बहुत ही कम समय में 1 बिलियन भी क्रॉस कर गया, और अभी भी इसके व्यूज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और एक ऐसा गाना जो सोशल मीडिया पर इस पर हर रोज़ कम से कम 1000-2000 रील्स बनते ही बनते हैं। तो इसके लिए, इतने बड़े सक्सेस के लिए आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच, और वेब म्यूज़िक को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पवन सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे गवाया, इस काबिल समझा। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी कलाकार अगर कोई भी चीज़ हासिल कर रहा है या किसी भी मुकाम पे पहुंच रहा है, तो वो अकेले नहीं हो सकता, उसके साथ उसकी पूरी टीम लगी होती है। तो मेरी तरफ से जो भी मेरे साथ लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वैसे तो हर कोई जानता है कि ये कौन है, अक्सर हम स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखते हैं, किसी दूसरे बड़े सिंगर के साथ ये स्टेज शेयर करती हैं प्रॉपर, कभी विवादों में आ जाती हैं, कभी सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी हमेशा चर्चाओं में तो रहती ही रहती हैं। स्टेज पे कोई गाना गा दे तो बवाल हो जाता है, डिपेंड करता है, आप जानते ही हैं हर चीज़ें। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो अनुपमा जो इंडस्ट्री में आने से पहले थी, कैसे आपकी शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे तो ये गोरखपुर से बिलोंग करती हैं लेकिन रहती पटना में है, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुआ, मुझे थोड़ा सा बताइए। ये जर्नी शुरू हुआ आफ्टर मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के एक साल पहले, 2018 में ये मतलब मैं पटना जाने का एकदम मेरा मूड बन गया था। मैं गाती तो 2015 से ही हूँ, बट पढ़ाई स्टडी भी कंटिन्यू करना था, तो उसके बाद मैं पटना गई हूँ 2020 में। और वहाँ जाने के बाद पहले तो मैं लोकल में ही गोंडा, अयोध्या और बस्ती, अपने गोरखपुर में, देवरिया में, मतलब शोज करती थी हमेशा ज़्यादा। एल्बम पे कम फोकस रहता था, स्टेज शोज पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था। तो वहाँ से मतलब कई सारे लोगों ने बोला कि मैं एक साल दिल्ली भी रही हूँ लेकिन वहाँ कुछ खास प्रोग्रेस, लेकिन बिहार आने के बाद मतलब ये लगा कि हाँ। तो मेरा एक गाना मंच पे बहुत ज़्यादा हिट किया था, वो गाना था दिल ना लगई हा, जिसको खेसारी जी का एल्बम है, बट मैंने इसको मंच पे गाया था, और वो गाना मेरा अभी 50 मिलियन सिर्फ स्टेज शो पार कर रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद से मैंने पवन सिंह जी के साथ पुदीना, फिर कल्लू जी के साथ झिझिरिया, फिर कंटिन्यू खेसारी भैया के साथ सैया की रोटी, जो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वो गाना, और मतलब बहुत सारे सिंगर्स के साथ मैंने गाना गाया। आफ्टर अभी अंकुश जी के भी साथ मेरा गाना आने वाला है,
तो बैक टू बैक करने लगी, बट स्टेज शो की वजह से मेरा एल्बम थोड़ा सा कम होता है, बट अभी एल्बम पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अभी मेरा चैनल भी है अनुपमा यादव ऑफिशियल, जिसका पहला गाना गया था यही खातिर आ रहा यही नहीं 7.6 मिलियन गया था, 1 day 2 मिलियन था ये गाना मेरा, तो इस वजह से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि मैं यूपी में कई जगह गई, दिल्ली भी गई, लेकिन वो मुकाम मुझे जाके पटना में मिला। मुंबई नहीं सोचा जाने को, या फैमिली ने कहा कि इतना दूर बेटी को जाने नहीं देंगे? नहीं, फैमिली का सपोर्ट तो मेरा शुरू से रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं बीच रोक किया कभी भी। मैं दिल्ली में भी रहती थी तो मम्मी पापा का आना जाना रहता था हमेशा, और घर पे भी रहती थी तो, पटना में भी रहती हूँ तो आना जाना, कहीं रोक नहीं है। बस ये है ना कि किसी भी चीज़ को पूरा करिए तो एक एक सीढ़ी चढ़िए, ज़्यादा छलांग लंबा लगाइएगा ना तो फिर बीच में अटक जाइएगा, तो इसलिए एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। अभी गोरखपुर में गाते थे, फिर दिल्ली, फिर अभी पटना, अब आगे चांस मिलेगा तो मुंबई भी जाएंगे। इसलिए इसके आगे क्या ही है, मुझे लगता है मुंबई वाले आपके लिए पटना आते होंगे। अब ऐसा नहीं है, सारे अगर गाने सभी आ रहे हैं। हाँ, अगर है सिंगर तो सभी गाने आते हैं। अभी मुंबई में मैं हाल फिलहाल गई थी, एक पवन जी का गाना आ रहा है, उसमें बातचीत थी, और बहुत सारा ऐसा काम था, सूरत में मेरा शो लगा हुआ था तो वहाँ से मुंबई भी गई थी, तो बहुत जल्दी चांस मिलेगा तो ज़रूर। अभी तो कुछ अलग ही सोच रही, जैसे आज परफॉर्मेंस मुझसे कराई गई, सिंगिंग नहीं कराई गई, मुझे परफॉर्म कराया गया, तो अब इससे तो सब लोग अंदाज़ा लगा सकते कि आगे मेरा क्या करने का अब विचार है। एग्जैक्टली, हम समझ रहे हैं, क्योंकि जब अनाउंस हुआ मैं भी बैठी हुई थी कि अनुपमा जी आ रही है, मैंने मोबाइल ऑन कर लिया, भाई अब सुनने को मिलेगा कुछ अच्छा, देन पता चला परफॉर्म कर रहे हो, तो सब शौक दे कि एक सिंगर जल्दी परफॉर्म नहीं करते, खासकर फीमेल में जल्दी वो लोग स्टेज पर नहीं आते हैं। खैर, मुझे ये भी जानना, क्योंकि आप एक फीमेल हो और गोरखपुर जैसे शहर से बिलोंग करते हो, तो बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। अक्सर आप देखते हो कि हमने देखा है यूट्यूब पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वायरल हो जाते हैं, वीडियोस वायरल हो जाते हैं, उसको आप किस तरह से हैंडल करते हो? ये सवाल हमेशा मेरे मन में था कि जब भी मैं आपसे मिलूंगी तो इन सबको आप कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि अगर अनुपमा यादव डालो तो बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ मिल जाएंगे, आप उनका खंडन भी करती हैं सोशल मीडिया पर, फिर भी उससे खुद अंदर ही अंदर कैसे हैंडल करती हैं? सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे काम से इतनी फुर्सत नहीं है, और मेरा डेली अभी आज अवार्ड शो की वजह से मैंने 2 दिन कार्यक्रम नहीं लिया है, और 6 से कंटिन्यू मेरा शो है 28 तक लगातार, एक भी दिन मैं खाली नहीं हूँ, मैं लिस्ट दिखा सकती हूँ, और ये मुझे इतना चीज़ टाइम नहीं रहता कि कौन क्या न्यूज़ बना रहा है, क्या बना रहा है। और मैंने तो एक चीज़ सोच लिया कि इंसान जब आगे बढ़ने लगता है ना, तो उसके जो कुछ लोग होते हैं जो आगे तो बढ़ नहीं सकते, तो जो नाम नहीं कर सकते ना, वो दूसरों को सिर्फ बदनाम ही करते हैं, तो वो लोग ऐसा काम करते हैं, तो मुझे उस सब चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं है। और वैसे भी मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, बट इतना भी मैं यूट्यूब में नहीं रहती हूँ एक्टिव, तो क्या चल रहा है क्या नहीं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, बट इतना तो टाइम रहता नहीं है, तो मैं इन सब चीज़ों को मैं सोचती ही नहीं हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे स्ट्रेस नहीं होता है। चर्चा होना तो बनता है, मतलब होता है ना, कहते हैं ना कि अगर आपके बारे में बुराई होना शुरू हो जाए, मतलब समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सक्सेस की हो रहे हैं, इसलिए आपके अन्ना तो आप कौन पहचानता है। अच्छा, आज मेरे बारे में बुराई हो रही है, आप इतनी अच्छी न्यूज़ चैनल की, इतनी अच्छी आप एंकर हो, कल आपके बारे में बुराई होगा तो इसके लिए क्या है, आप उसके अच्छा कर रहे हो। अगर आपको बुराई करनी है तो आप मेरे से आगे निकलो ना, बुराई क्यों कर रहे हो, मेरे से आगे निकल के दिखाओ। तो ये जान लीजिए कि आपकी टक्कर में जो नहीं है ना, बुराई वही करेगा, और जो आपसे ऊपर है ना, वो आपकी कभी बुराई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने काम पे फोकस है, वो अपना काम देखेगा कि मैं क्या काम करूँ, ये नहीं देखेगा कि पिछला आदमी क्या कर रहा है, वो अपने आगे देखेगा। तो इसलिए मैं अपने आगे देखती हूँ, मैं पीछे नहीं देखती हूँ, मैं आगे देखती हूँ कि मुझे अब आगे क्या करना है। और वैसे भी जितना भी सोशल मीडिया पे ये सब अंड बंड चल रहे थे, उससे क्या मतलब, सोशल मीडिया पे क्या फ़र्क पड़ा? क्या आप काम कर रहे हो, आप अपना प्रेशर से आप काम करो, अपने काम में लगन दिखाओ, अपना काम करो। बैक टू बैक मेरा आ रहा, अब मुझे लगता है कि न्यू ईयर पे मेरा आ रहा ही नहीं मिलियन क्रॉस कर गया। सुर्खियों में बने रहो, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अब दुनिया की यही रीत हो गई है कि चाहे निगेटिविटी में बने रहो चाहे पॉजिटिव में। अब कोई यूट्यूब पे आके कोई गालियाँ दे दे रहा है, फेसबुक पे आके कोई गालियाँ दे दे रहा है, मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं, मतलब क्या है? आप यूट्यूब सोशल मीडिया को आप लोग एकदम मजाक बना रखा है लोगों ने, कि कुछ भी आके बोल दो और वो वायरल हो जाता है। तो इस सब चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो चल रहा है बस चल रहा है, अपना काम करो, अपना नाम करते रहो। क्या बात है, ऐसी बातें हमेशा इंस्पायर करती हैं। इतना पॉजिटिविटी है आपके अंदर, सच में आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत से लोग होते हैं कि टूट जाते हैं, बिल्कुल, कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना नहीं झेल पाते हैं। क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, पहली बार मिल रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, अभी क्या ही बात करना विवादों का, क्योंकि बस्ती में है, एक विवाद यहाँ से शुरू हुआ था लेकिन वो ख़त्म हो गया, पुरानी चीज़ थी। लेकिन अच्छा ये लगता है कि आप बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को हैंडल करते हो, और इसके लिए मैं सच में आपको प्राउड फील करती हूँ। खैर, आते हैं कि और
अनुपमा जी से हमें कौन से नए गाने, नए धमाके जल्द ही सुनने को मिलेंगे, उनके बारे में बताइए। मेरे चैनल से बहुत जल्दी मेरा सोलो सॉन्ग आने वाला है, बहुत सारा चैता आने वाला है, और बाकी तो पवन सिंह जी, खेसारी जी, कल्लू जी, इन लोग के साथ तो बैक टू बैक गाने आते ही रहते हैं। सोलो प्रोजेक्ट मेरा इस बीच ज़्यादा आ रहा है, और विनय बिहारी सर के अकॉर्डिंग मुझे एक मूवी में भी गाने का मौका मिला है, तो कोशिश यही रहेगी कि अगली बार मूवी में सिंगर का अवार्ड लेके जाया जाए, और यही रहेगी। और आपने जो बोला ना कि मैं पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप साइलेंट हो जाओ और अपना काम करते रहो। साइलेंट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप साइलेंट हो जाओ, साइलेंट अपना काम करो, मुस्कुराते रहो, और ऐसा मुस्कुराओ कि आपके जो लोग जलते हैं ना वो और देख के जल जाए। तो हमेशा फेस पे स्माइल रखो और अपना काम करते रहो। एक्टिंग कब कर रही हैं? पता नहीं, अभी हम लोग चांस मिलेगा तो करेंगे एक्टिंग, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन मैंने ये तो देख लिया आपके एक्सप्रेशंस बहुत लाजवाब है। काश आपने देख लिया, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देख गया होता तो शायद मूवी साइन कर दी होती। आज नीचे हमारे मटरू भैया एक मूवी हमें साइन करा रहे थे, तो अभी उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा, आप थोड़ा जिम ज्वाइन कर लूँ उसके बाद। इसलिए वैसे किसी को क्यूट सी लड़की चाहिए होगी एज एक्ट्रेस, तो वो ढूंढ लेगा आपको। हम तो खुद ढूंढते रहते हैं सोशल मीडिया पे, अब ढूंढने की जरूरत है, हम खुद सोशल मीडिया पे ढूंढते रहते हैं। आ जाएंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्यूट सा आप ढूंढते रहते हैं कि कोई लड़का मिले क्यूट सा मुझे, बट अभी टाइम है, तो अभी तो बहुत सारा स्ट्रगल करना है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और अभी बहुत सारा काम करना है। अभी मेरा ड्रीम है मूवी एज अ हीरोइन एंड एज अ सिंगर दोनों। क्या, तो अभी तो सिंगिंग भी करना बाकी है, उसके बाद हीरोइन के बारे में सोचेंगे, अभी तो सिंगिंग करना है बस। भैया ये बहुत बात सोचेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार हैं, तो जो भी हमारे साथ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर देख रहे हैं आप आ सकते हैं, एक बार देखिए। मैम सच में बहुत क्यूट लगती हैं डांस करते हुए। 3 महीने में जिम कर लेते हैं। बस 3 महीने, 3 महीने बस, इनकी तरह हो जाएंगे ना, मूवी मिल जाएगी। अच्छा आपसे मेरा एक सवाल है, आपने आज तक मूवी में ट्राई क्यों नहीं किया? क्या होता है ना कि जैसे आपका रहा सिंगिंग, आपने सोचा कि मैं सिंगिंग में नाम कमा लूँ फिर फिल्म में, तो मेरा वो रहा कि मैं एक्टिंग, क्योंकि क्या है ना अभी आप लोग मेहनत कर रहे हो दिखने के लिए, मैं आपके साथ दिख रही हूँ तो आपके ऑडियंस भी मुझे देख रहे हैं, बराबर हो गया। एक्टिंग के लिए चाहते हो काम करना? अगर अच्छा ऑफर मिलेगा तो सोच सकते हैं। हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख रहे हैं, कृपया इनके बारे में भी सोच विचार करें। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, आप इतनी देर से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, आपने कभी सोचा था कि हम आप मेरा इंटरव्यू लोगे? बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं तो सोच रही थी कि मेरे को सच में नहीं पता था कि आप पटना में रहती, मुझे लगता था मुंबई में रहती थी। इतनी चीज़ें होने के बाद ये पहला इंटरव्यू आपका है? आज जब अब दिखी ना, हाँ। मैं उदय सर जो है, मैंने उनसे बोला मैडम का इंटरव्यू चाहिए, कहा कि ठीक है देखते हैं, और सडनली आप मिल गई और आशु जी ने मिलवा दिया, कल्लू जी के भाई ने। तो फिर इंटरव्यू देती नहीं जल्दी, ज़्यादातर इंटरव्यूज में मेरा कोई शौक नहीं, लेकिन हाँ इस चैनल के बारे में मैंने सुना था, और ये जो सर हैं आके मेन मैं नाम तो उदय सर, उनको मतलब मैं कभी मिली नहीं थी, बट कल्लू जी से उनकी मैंने तारीफ सुनी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम इनके चैनल पे एक बार इंटरव्यू देना। मैंने कहा ठीक है, तो आप भी इतनी प्यारी हो, आपकी स्माइल इतनी प्यारी, आपको कोई मना कर ही नहीं सकता है कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, मैम खुद आई कि भैया मेरा इंटरव्यू ले लो, आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। सो एक और सवाल, आपको कैसा लगा यूएनएन मीडिया से मिलके? हमको तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और चैनल का तो जवाब नहीं, मैंने चैनल ऑलरेडी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो यूएन चैनल को आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, और इस चैनल को और आगे बढ़ाते रहिए, और हम लोगों को भी प्यार दीजिए, और साथ साथ इनको भी प्यार दीजिए कि ताकि अब ये और प्रगति करें, अब उन्नति करें। अभी तो ये हो गई बेस्ट एंकर में हो गई, अब बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड एक मिलना चाहिए, तो थैंक यू सो मच कि आपने इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया। ओ नहीं, मैं बता दूं कि हर संडे मैं रैंकिंग चार्ट लेकर आती हूँ दर्शकों के लिए, कि मतलब हमारे चैनल पे आपको सब कुछ ऐसे लॉयल मिलेगा, विवाद, कंट्रोवर्शियल, मसाला कुछ नहीं मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, तो उसमें मैं हमेशा लिस्ट बताती हूँ और सारे सिंगर्स का, उसमें से हमेशा एक नाम आपका रहता ही रहता है, तो मैं उन्हें बताती हूँ, तो उसमें डिमांड भी आता है कि इनसे कब मिलोगे, इनसे कब मिलोगे, तो मेरा एक होता है ना लिस्ट तैयार है, होता है ना 10 नाम तैयार है, उनमें से एक आप भी हैं जिनसे आज मैं मिल ली, 9 बाकी हैं, आ रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच कि मैं इनको जल्दी मिलके, थोड़ा और लेट करना चाहिए था ना, ऑलरेडी आप 2 महीने लेट है। 2 महीने लेट हो गई पप्पा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, जितने लोग देख रहे हैं।